गोंडा में ठंड से बचने के लिए बिस्किट फैक्ट्री के मालिक का बेटा ओवन में बैठकर हाथ सेकने लगा था। इस बीच ओवन का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया और वह जिंदा जल गया। घटना गोंडा के मनकापुरा कोतवाली के बेरी गांव की है। बेरीपुर गांव में गोपी जयेशवाल ने गांव के पास ही अपने मकान के बेसमेंट में बिस्किट की फैक्ट्री लगा रखी है। परिवार भूतल पर रहता है। गोपी के अनुसार कक्षा 9 में पढ़ने वाला उनका बेटा दीपक बृहस्पतिवार ठंड से बचने के लिए बिस्किट फैक्ट्री के ओवन में बैठकर हाथ सेक रहा था। अचानक ओवन का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। जब जलने की दुर्गंध फैली तो परिवार वाले भागकर ओवन के पास पहुंचे, दरवाजा खोलकर पूरी तरह झुलसे दीपक को बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस से लेकर CAC मानकपुर पहुंचे, जहां चिकित्सालय ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल विनय कुमार सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।